हे गाइस, वेलकम बैक टू मीना चौधरी ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से 7:30 बजे से। तो हेलो साथीहरू, सबैजनालाई नमस्ते। तो सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो गाइस? अपने अपने घर में अच्छे होंगे, तो हम लोग भी अच्छे हैं। मैं आज सुबह उठ के बाहर पानी फुल किया, कल तो पानी नहीं आया था मैं पीने के लिए। पानी हमारा वो बाहर एक आता है, तो देख बीबी उधर काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट होटल के लिए मोमोज का सामान लेने के लिए। तो संध्या उठी है, अभी दोनों बच्चे सोए हैं, अभी नाश्ते करेंगे, तो मैं फिर जाऊंगी काम को। तो अभी जा रही है मार्केट गाइस, क्योंकि मोमोज के लिए सामान लेने पड़ेगा। तो सामान लेने के लिए अभी जाएंगे, वो थोड़ा काम पे बिजी है, तो वो आने के बाद जाएंगे हम लोग मार्केट। तो मार्केट से आने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, और बाद में नाश्ता करके मैं जाऊँगी काम को। आज का ब्लॉग है सुबह से चालू कर रही हूँ गाइस। बाबू भी आ गए है, हेलो हाय, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मैं तो अभी काम करके आया, पसीना हो गए हैं ये गाइस। देखिए बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठते सुबह उनको सुबह तक सोने को नहीं मिलता है। 6 बजे उठते हैं और गार्डन में पानी डालते हैं। बाद में मैं तो आज हेल्प किया, क्योंकि मैं दूसरा काम को आज छुट्टी था तो आज नहीं गई। मैं उनको हेल्प किया है, इधर झाड़ू मारा है और उन्हें पानी डाला है, तो थोड़ा जल्दी हो गया। नहीं तो बेचारा एक दिन मेरा भाई करता है वो दोनों, और एक दिन हम लोग करते हैं। अभी मैं उठ के नहा के पूजा पाठ किया है। तो देखिए संध्या क्या कर रही है, संध्या को दिखाती हूँ आपको। दिया जला के रेडी है, और देखिए संध्या इधर है, संध्या इधर है, उठी है। पर इसको ना किकी के साथ सुबह सुबह खेलने को बहुत मज़ा लगता है। देखिए अभी इसके साथ खेल रही सुबह सुबह उठ के। इसका छोटा सा घर है इधर गाइस, देखिए इसका ये छोटा घर है। रात को इधर सोती है, कभी कभी इधर सोती है, कभी संध्या के साथ सोती है, कभी सोनम के साथ, कभी इधर सोता है, कभी संध्या के साथ सोता है, कभी सोनम के साथ सोता है। अगर हम लोग इसमें नहीं डाला तो उन लोग के साथ में साइड में किधर सो जाता है। अब इधर सुबह सुबह उसको निकाला मैंने, और संध्या चालू हो गई उसके साथ मस्ती करने के लिए। देखिए देखिए कितना मस्ती करता है ये हमारा किकी। दे तो संध्या उसको दे दे, सबको मिलाती हूँ, हमारा गाइस को मिलाती हूँ। आओ बेबी आओ, देखिए गाइस कैसा है हमारा किकी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत प्यारा सा है ना, स्वीट सा है किकी। हाय किकी, इधर देखो, इधर इधर बैठो, तुम उसे पकड़ के, मेरे को वीडियो शूट करने को नहीं होता है, जाओ ऊपर देखो। हेलो किकी, संध्या उठो, जल्दी उठो, तुम्हारा बहुत काम है, लहसुन छीलने का है, प्याज कट करने का है। हाँ प्याज बाबा कटेगा, लहसुन तुम छीन लो। उठो उठो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? इसका आवाज़ और मेरा एक ही है, इसका वॉइस और मेरा वॉइस एक ही है।
कोई कोई में बोलते है कि तुम और संध्या का वही है कि है एक जैसी बात करती हो तुम दोनों। देखिएगा कि मेरा बाल कितना छोटा गंदा दिख रहा है ना। तो हम लोग जाएंगे मार्केट, अभी लाएंगे नाश्ता। आज मैंने घर पे नहीं बनाया है, तो घर पे नहीं बनाएगा तो जाएंगे मार्केट, मार्केट से लाएंगे ना। संध्या क्या खाएगी? उधर गाना बज रहा है ना गाइस, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है भगवान का है सॉन्ग। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, इतना दिल को चैन मिलता है ना वो गाना सुनने के बाद। इसीलिए मैं सुबह उठने के बाद सब रेडी करने के बाद पहले मैं गाना बजाती भगवान का सॉन्ग, और बाद में पूजा करती, बाद में दूसरा काम तो बाद में देख जाता है, करते हैं बाद में दूसरा। देखिए मेरा शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स शॉर्ट, बॉक्स लाल कैसा हुआ है। गाइज हमारा वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। तो जो न्यू फ्रेंड है उन लोग ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सुपरमार्केट ना, मार्केटिंग। ये लाइट का ना बहुत कितना अच्छा दिख रहा है वो सन, क्या बोलते हैं उसको, हाँ धूप को, धूप ए धूप नहीं, हाँ धूप। धूप को धूप ही बोलते हैं। मेरा ये टी शर्ट ना गाइस आदमी का जैसा दिखाई दे रहा है। संडे को ना है भाई, इधर साफ करेंगे, ऐसे हटाओ ना बंद से। बाबू आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो हम लोग जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा गाइस। पानी सा लगता है, सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो मार्केट में जाएंगे, अभी दुकान खुला है कि नहीं, तो दुकान खुलने के बाद लेंगे सब्जी वब्जी सब सब, होटल के लिए क्या क्या लगता है वो सब लेंगे, और नाश्ते भी लेंगे, तो भाजी लेंगे और पाव लेंगे बाद में घर। तो हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं गाइज। तो भाजी की दुकान तो खुला था, तो मैं भाजी ले रही थी, और मेरा बाबू गए हैं चिकन लाने के लिए चिकन शॉप में, और मैं पालक लहसुन अदरक सब कुछ लिया है। तो देखिए भैया भी डाल रहे हैं, वो तौल रहे हैं। तो हम लोग लेने के बाद तो हम लोग वापस इधर आए, तो इधर आने के बाद फिर हम लोग, मेरा बाबू गए हैं शॉप में, वो चना भाजी और पाव मिलता है उस शॉप में गए, और शॉप में जाने के बाद लेके आए, बाद में हम लोग वापस घर पर आने लगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, देखिए क्या क्या लेके आए हैं। तो ये है नाश्ता, पाव भाजी और हाँ दो ही है।
बाबू लेके आए हैं इसके लिए। देखिए ये इसका नाम क्या है, ओए क्या हो इसका नाम? हाँ इनका खाना इधर है गाइज, तो अभी इन लोग बाहर आएंगे तो खाना खाएंगे। और वो हमारा घर का सामान है, प्याज तो नहीं है, लहसुन है और पालक है, तो और मैं क्या लिया भूल गई, वो पॉकेट में ही होगा अंदर, आपको अभी दिखाऊंगी। तो हम लोग आ गए देख संध्या नाश्ता, चना भाजी और पाव और तो रोटी जस्तो लाई के भन्छन बग, हाँ है बिस नहीं। तो संध्या भी काम में चालू हो गई, तो हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ते करने के लिए। तो मेरा बेबी भी उठ गई, चड्डी भी नहीं लगाई है, चड्डी लगा बेबी, चड्डी लगा। अभी मैं नाश्ता करके जाऊंगी काम को गाइस, काम ख़त्म करके आऊंगी। तो मेरे को थोड़ा वीडियो एडिट करने का है, मेरा पास टाइम भी नहीं है, वीडियो एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा ताकि आप लोग के पास जल्दी पहुंचे और आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखिए। तो लाइक करिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, तुम बोलो ना लो हम लोग जा रहे हैं गाइस नाश्ता करने के लिए। देखिए इसका बॉक्स क्या है, इसका नाम बंस, सॉरी बंस बोलते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है, देखिए कैसे। मेरे को इतना खुश होता है ना, ये मेरे को बहुत हेल्प करती है कभी कभी मैं उसको चिल्लाती ना इसीलिए, फिर भी करती है मेरी बच्ची मेरी प्यारी। तो गाइस बहुत काम करती है संध्या। अभी आ गई हूँ मैं, कितना बजे गई थी, तो मैं गई थी 7:30 बजे, नहीं 8 बजे गई थी, अभी आया 10 बजे, 10 बजे काम ख़त्म करके आई, बाहर करती हूँ घर में करती हूँ, किसी का घर में साफ सुथरा ऐसा क्या करने का, बच्चे लोग तीन तीन बच्चे लोग है गाइस, तो इन बच्चे को पालने के लिए भी काम करना पड़ता है, इनको फिर कौन खिलाएगा क्या करेगा, हम लोग मम्मी पापा है तो हमारा जिम्मेवारी है, हम लोग इनको देखे। तो इतना प्यारा 3 लड़की है मेरा, अभी 2 स्कूल जाती है, एक घर पे है, तो वो है 2.5 साल की ना संध्या, अभी 2.5 साल की हो गई, अभी 2.5 साल के, अभी जून आज कितना तारीख है, 3 तारीख है, और ये जाएगी 5 तारीख से, छोटी भी जाएगी, इसका छोटा जैसा बच्चे छोटा छोटा बच्चे लोग पढ़ते हैं ना बालोरी बोलते हैं इधर, तो वो क्लास में जाएगी, उधर ही खेलेगी खाएगी, उधर भी खाना बनाता है वो लोग बच्चे लोग के लिए, कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो स्कूल जाने से पहले उन लोग को वही बालोरी में डालते हैं सब लोग। तो संध्या भी गई थी छोटे में ना, बहुत अच्छा लगता था तेरे को इधर, तो संध्या भी जाती थी पहले और सोनम भी जाती थी, संध्या
संध्या गई बालोरी में, संध्या गई फर्स्ट और सेकंड, सोनम गई, अभी जाएगी श्रिया ना भैया ना संध्या। श्रिया तो रुकेगी नहीं, इस संध्या लोग तो बालोरी जाने के लिए बहुत खुश होते थे ना, इतना खुश होते थे, बैग बोकते थे और जाके मम्मी को भी उनको नहीं चाहिए। पर ये मेरी सबसे छोटी बेबी ना, एक बार मैंने ट्राई किया, टीचर बोला उसको आदत डालो, एक दो बार लेके आदत डालो तो बाद में वो अच्छे से रहेगी। तो हम लोग एक बार एक घंटा के लिए उसको उधर छोड़ा था, एक घंटा के लिए छोड़ा था, तो इतना रोई, एक घंटा तक रोई, बोली टीचर उसको तुम्हारे बेबी नहीं रुकेगी, कि इतना रोई। बाद में जाने के बाद तो इतना रोई कि पूरा संभालने को उसको तकलीफ हुआ, तो मैं वापस लिया और बाद में नहीं भेजा। अभी तो थोड़ी बड़ी है, 5 महीने बड़ी है, 2 साल में मैंने उसको डाला था, अभी 5 महीने ज़्यादा हुआ, तो अभी 2.5 साल में डालते हैं उसको। अभी ये 2-3 दिन से आऊँगी तो रोएगी कि नहीं पता नहीं। बाद में स्कूल उसको कैसे हम लोग स्कूल भेजेंगे, जब दूसरे साल इस एडमिशन करूँगी मैं स्कूल में, तो कैसा होएगी मेरा सबसे अलग बेबी ये ना, बहुत अभी देखिए क्या खा रही है, पाव खा रही है और करी ना संध्या, फ्रिज बंद करना सीरी। हम लोग इसको ना कैसा देख रही है ऐसा, हम लोग इसको ना शॉर्टकट में गए सीरी बोलती है, सीरी। इसका पापा का नाम, इसका पापा का नाम है सीरी कृष्ण चौधरी, और क्या चाचू का नाम है अंकल का ना, पापा का भाई का अंकल, अंकल का नाम है श्री राम। तो इसका लास्ट में श्रिया है, पर हम लोग मतलब शॉर्टकट में ऐसे प्यार से श्री बोलते हैं गाइस ना, श्री बोलते हैं। कैसा है गाइस इसका श्री नाम, श्रिया नाम, संध्या, सोनम, श्रिया, ये तीनों पापा के फर्स्ट अक्षर से मैच करता है ना, फर्स्ट अक्षर से मैच करता है, मेरा तो नहीं। तो मैडम बोल रही थी, मैं जिधर काम को जाती हूँ बहुत साल हुआ, वो मैडम बोल रही थी कि तुम्हारा छोटी बेबी का नाम मिया रखो, तुम्हारा नाम से या मायरा या मिया कुछ तो रखो, मिया रखो बोल रही थी। पर पहला वाला संध्या का ना, ये सोनम पैदा हुई तभी भी मैडम ने कुछ ना कुछ नाम रखा था, फिर मेरे को पसंद नहीं आया, फिर दूसरा रखा। अभी इस बार भी मिया रखने को बोला था, फिर उसका पापा दूसरा रखा। सब तीनों बेटी का नाम पापा के नाम से जुड़ते हैं, तो मेरा, मैं तो अकेली हो गई हूँ इधर, मैं और हमारा किकी अलग अलग है हम लोग, ये सब एक फैमिली है, हम मैं और किकी एक फैमिली है, किकी भी अलग फैमिली है, मैं अलग, यहाँ तीन फैमिली है, तीन फैमिली है, संध्या, सोनम, श्रिया और उसका पापा का नाम कृष्ण, श्री कृष्ण। तो ये तीनों फैमिली और मैं अकेली और किकी अकेली, नहीं किकी रे मैं फैमिली जोड़ते हैं। अभी उसने देख दाल, दाल नीचे कैसे गिरा है, संध्या उसको खिला दे जल्दी। और जा रही हूँ गाइस मैं खाना बनाने के लिए, क्या करने का, रोज रोज वही काम, बाहर जाओ, सुबह उठो, काम को जाओ, काम खत्म करके आओ, नाश्ता खाओ, घर में खाना बनाओ, घर साफ करो, सब कुछ करना पड़ता है। थोड़ा एक दिन तो अलग अलग अगर होता था तो इतना अच्छा होता था ना गाइस, दूसरा दिन दूसरा काम, तीसरा दिन तीसरा काम, जिंदगी भर वही काम है हमारा। कितना साल से कर रही हूँ मैं, अभी इधर गोवा में 10 साल से, हमारा कंट्री है नेपाल गाइस, तो हम लोग इधर रुका हुआ 10 साल हो गया। मेरा बड़ी वाली बेबी कितना, 1 साल की थी संध्या, 1 साल की थी तभी हम लोग आए थे इधर गोवा में। तो मेरा ये दोनों बेबी, ये सोनम और ये सोनम और ये श्रिया इधर ही पैदा हुए हैं, तो बच्चे तो इन लोग का है इधर ही का बर्थ सर्टिफिकेट, और संध्या का है गांव का सर्टिफिकेट। संध्या अभी 6th क्लास में पढ़ती है और सोनम पढ़ती है 2 में जाएगी अभी ना, सोनम फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में ना, और ये जाएगी, सीरी जाएगी 0 में। इसको हाथ धोई दे संध्या, जा हाथ धोई दे, कट लगाई दे,
और जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। अभी खाना बनाया वाला ब्लॉग भी आपको क्या दिखाऊँ, क्या खाना बनाने के पहले थोड़ा टाइम तक सोचना पड़ता है, तो बाद में सोचते सोचते अभी मैं कितना हुआ 10 बजा है गाइस, तो मैं खाना बनाने को सोचते सोचते बजता है 12 ना इधर उधर, अरे बाल सीधा करा ना बेबी, तो इधर उधर करती हूँ, फिर साफ करने में तो 1 घंटा भी नहीं लगता है, हमारा रूम आधा घंटा में साफ होता है, तो खाना बनाने का बोलो आधा घंटा, खाना बनाने का आधा घंटा, साफ करने 1 घंटा का काम है। तो हम लोग 10 बजे से चल, अभी तो हम सब है इसीलिए इतना टाइम लगता है, बाद में संध्या, अभी मंडे से, अभी आज तो 3, 4, 5 मंडे से जाएगी, परसों से जाएगी, ये दोनों स्कूल जाएंगे, तो हम लोग मैं और सीरी और किकी घर में, और उसके पापा जाते हैं काम को सुबह 9 बजे काम को जाते हैं वो, तो हम तीनों करेंगे, ये दोनों खेलेंगे, मैं काम करूँगी तो मैं करूँगी। अभी तो हम लोग को इतना 10 बजे से 12, 1 बजता है काम करते करते, तो बाद में तो मेरे को कितना टाइम लगता होगा, बजता होगा 3-4, तो ऐसे लगता है गाइज। चलो चलो संध्या फटाफट करते, संध्या ने आधा काम तो किया है, बेड वोड साफ किया है, अभी झाड़ू मारने का है, और तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने की, क्या आज चिकन है, चिकन लाया है पापा ने ना संध्या, तो संध्या का पापा ने चिकन लाया है, अभी चिकन बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी, तो जल्दी जल्दी जाते फटाफट से बनाती हूँ गाइज, वीडियो में बने रहिएगा ओके। तो हमारा वीडियो को पूरा देखिए जब मैं अपलोड करती हूँ, अभी मेरे को ना इतना काम है, अभी मेरा वीडियो पहले थोड़ा वीडियो भी है, मेरा वीडियो भी है, मेरा एडिट करने का टाइम ही नहीं है, मैं ज़्यादा भाग अभी वीडियो पर एडिट करने पर टाइम वेस्ट करती हूँ, इसलिए घर का काम 1 बजता है, खाना बनाते साफ करते करते शायद वही होगा, बाद में संध्या लोग स्कूल जाएंगे तो मैं क्या करूँगी पता नहीं। अभी संध्या मेरे को बहुत हेल्प करती है, बहुत बड़ी हो गई, मेरा बराबर आ गई है संध्या, मम्मी का साइज बराबर आ गई है। मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, तो मुझे ये मिला है, तो मिला है तो छोड़ूंगी क्यों, तो खाने को जा रही हूँ मैं, सुबह भी नाश्ता ब्रेकफास्ट किया था गाइस, सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो करी और पाव आप लोग को ब्लॉग में दिखाई दे रहा होगा, तो मैं जा रही हूँ अभी ये खाने, चिकन पाव रोल, संध्या को भी दिया है, संध्या लोग भी बाहर बैठ के खा रहे है, तो मुझे तो वीडियो शूट करना था, तो आप लोग को दिखाने का था, तो मैं खाने लगी हूँ गाइज, किस किस को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज नाश्ता वास्ता खा के सब रेडी हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं अभी खाना बनाने के लिए, तो आप लोग को क्या क्या बनाते हैं सब रेसिपी दिखाएंगे, तो खाना भी बनाएंगे और मोमोस बनाने का रेसिपी आपको दिखाएंगे, मैं क्या क्या करती हूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ बोनलेस में धो रही हूँ,
और मैंने लहसुन छील के पहले रखा था और मिर्ची धोया और लहसुन उसमें डाला है और उसमें मिर्ची भी डालूँगी। तो दोनों उसको ग्राइंड करते हैं, छोटा छोटा पीस हो जाएगा। बाद में संध्या को मैंने बोला उसको थोड़ा ग्राइंड करो, तो मैंने उधर गैस में तिल डाला है चटनी के लिए। तो तिल रेडी हो रहे हैं गाइज, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आज क्या क्या बनेगा हमारा किचन में। किचन तो इतना बड़ा नहीं है पर फिर भी छोटा है, अच्छा है। छोटा सा फैमिली है, छोटा सा रूम है, छोटा सा किचन है। तो मैं सारा साफ कर रही हूँ उधर, क्योंकि मेरे को गंदा पसंद नहीं है। आजू बाजू में कोई गंदा है खाना बनाते टाइम में अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो संध्या रेडी कर रही है और मैंने बोनलेस धो के मैंने चालनी में पानी निकालने के लिए रखा था। तो अभी मैं बोनलेस पहले वो गाजर है उसको घिसूँगी अच्छे से भेज वाला मोमोस के लिए। तो अभी रेडी हो रहा है गाइस, आप देखते जाइएगा क्या क्या बनता है हमारा उधर। और कैमरा थोड़ा साइड करो बोला मैंने संध्या को, तो संध्या कर रही है रेडी। थोड़ा सा नज़दीक लेके आ बोला मैंने, वो लेके आई। तो मैं घिस रही हूँ गाजर भेज मोमो के लिए। तो देखिए अभी गाजर घिसने को जा रही हूँ। मेरे को घिसने को तो नहीं आता है, हाथ बहुत दर्द होता है वो घिसते घिसते, इतना दर्द होता है कि गैस मैं थोड़ा भी रुक नहीं सकती हूँ, ये थोड़ा टाइम भी चल नहीं सकती हूँ, सॉरी रुक नहीं सकती बोला मैंने। तो मेरा यही है कि मैं इतना काम करती, मेरा हाथ ना देखिए इतना दर्द हो रहा है। तो जल्दी जल्दी करते हैं और फटाफट से सब रेडी करके तो बाद में फिर खाना खाने का फिर रेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम भी रेस्ट नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है। बाद में वीडियो एडिट करना पड़ता है, एडिट करने के लिए टाइम एक घंटा लगता है। मैंने संध्या को बोला कि तुम दुकान में जाके सामान लेके आओ मोमोज के लिए, मैदा लेके आओ और तिल लेके आओ, मिर्ची सब मैंने उसमें लिस्ट कर दिया है। अब लेके आएगी संध्या, संध्या लेके आएगी, बाद में हम लोग रेडी करते हैं सारा। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा और क्या क्या है मैं सब उधर गेस कर रही हूँ, क्योंकि बाद में ना सामान नहीं है तो बनाने टाइम में बहुत तकलीफ़ होता है। सामान ये नहीं है वो नहीं है, फिर एक लेने को जाओ दुकान में फिर दूसरा लेने को जाओ, इसीलिए मैं सोच सोच के उसको उसमें बिल बना दिया है और संध्या जाके लेके आएगी। बिल नहीं बनाया अभी मैंने, पाँच चीज़ बोलेगा संध्या को। तो संध्या जा रही है दुकान में गाइस, क्योंकि उसको मैंने ये चीज़ ले वो चीज़ पांच ही चीज़ बोला ना तो कुछ नहीं लेगी वो, क्योंकि अभी छोटी है ना बच्ची भूल जाती होगी। पांच ही चीज़ बोला तो चार ही लेगी, नहीं तो तीन ही लेगी, दो चीज़ भूल जाएगी, इसलिए मैं उसको बिल बना के देती हूँ। बिल बना के दिया तो वो देखेगी और ये चीज़ बोलेगी दुकान वाला को और सब लेके आती है। तो अभी गई पैसा भी मैं निकाल के उसको दिया है कितना सामान का कितना पैसा लगेगा बोल के। तो दे रही हूँ गाइस, अभी जाएगी संध्या फटाफट से लेके आएगी। मैं आधा काम करूँगी तब तक के लिए। प्याज उस काटा वाला प्याज है उसको मोमोज के लिए पानी निकाल के रखना पड़ता है वो, क्योंकि नहीं तो गीला गीला होता है मसाला। तो मैंने उसको पानी सब निकाल के अभी एक उसमें बोल में डाला है, बाद में उसमें मैं चिकन भी डालूंगी अभी। तो देखिए सारा हो रहा है हमारा काम। तो अभी मैं वो जितना प्याज का बचा वाला रस है ना गाइस, वो भी मैं काम में लगाती हूँ। एक डब्बे लेती हूँ, अभी डब्बे में मैं छान के उसको रखूँगी, क्योंकि बाल में लगाने से ना बाल अच्छा बनता है, नहीं गिरता है तो अच्छा है। तो मैं वो बाल में लगा दी, क्योंकि मेरा बाल वैसे भी पहले गिरा है। मैं ऐसा प्याज व्याज कुछ नहीं यूज करती थी, कोई बोलते थे प्याज का रस यूज करो अच्छा होएगा बाल, तो मैं विश्वास नहीं करती थी। अभी मैं उसको बाल का रस को मैं लगाने का चालू किया है, कैसा रिजल्ट आएगा देखेंगे बाद में उसका। वो भी आपको वीडियो में ब्लॉग बना के तब दिखाऊँगी आप लोग को क्या हुआ है मेरा बाल का कैसा है सब बताऊँगी। तो मैंने अभी धनिया धोया है, तो धनिया धोया है अभी, धनिया धो के वो भी कट करके रखूँगी सारा। मसाला वसाला सब रेडी होएगा बाद में हमारा।
गाइस बॉईल किया वाला चिकन। तो गाइस देखिए मैं इसमें मोमोज के लिए लाया था ना बोनलेस, उसका चर्बी फैट ऐसा कट करके निकालती हूँ उसके लिए, हमारा किक्की के लिए, उसको चिकन मच्छी बहुत पसंद है। मैं फैट फैट निकाला उसका अलग से। मैं एक बर्तन में थोड़ा नमक डाला और चिकन डाला बॉईल करके, उसको अच्छे से पका के बॉईल करके उसको दिया बाद में। बहुत अच्छी तरीके से खाता है हमारा किक्की, और मेरे को भी बॉईल वाला चिकन बहुत पसंद है गाइस। तो मैं भी एक दो पीस खा लिया, तो अभी जा रही हूँ मैं किक्की को देने के लिए। आप देखना कैसा खाता है हमारा किक्की, प्यारा सा किक्की। जो मसाला मैंने मोमोज के लिए रेडी किया था ना गाइस, उसमें सारा मसाला डाला है, धनिया लहसुन अदरक तो प्याज और बोनलेस का मिक्सचर में पिसा वाला चिकन। तो मैं सब मिक्स करके अभी उसको फ्रिज में रखूँगी, तो मैं बनाऊँगी 2-3 बजे। अभी तो बजा है इधर 12, तो 2-3 बजे मैं रेडी करती हूँ तब और करके। अभी मसाला करके थोड़ा टाइम रखा ना 1-2 घंटे तक फ्रिज में, थोड़ा गट होता है उसमें, बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो जा रही हूँ मैं उसको रेडी करके फ्रिज में रखने के लिए गाइज। अभी क्या इधर 5 बजा है और हम लोग खाना बनाए और खाना खाए, बाद में थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैं बेड पर सो गई थी। तो मैं 3:30 बजे उठी और मोमोस रेडी किया, और रेडी करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ना संध्या रेडी हो रही है, और मोमोस इधर है गाइस, हम लोग बाहर रखा है। तो इधर है मोमोस, अभी जा रहे हैं बाहर।
तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, और नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो लाइक भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।